वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की हम कर रहे हैं शुरुआत मॉर्निंग से। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज है मुझे बहुत सारे काम और काफ़ी सारे काम करने हैं आज मुझे, तो काफ़ी कपड़ों का मैस भी पड़ा है। तो अभी मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी ठंड हो चुकी है, तो इसी वजह से आज मैंने ये जो है कोटी वेयर करा है, क्योंकि ठंड लग रही थी मेरे को। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो थोड़ा सा मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था। एकदम से ना मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो कल टेस्ट वगैरह कराई तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे ही हो जाता है कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो इस वजह से मैं भी ऐसा हो गया होगा, तो मैं ठीक हूँ। तो चलो ठीक है गाइज, करते हैं काम फटाफट से, क्योंकि रोज़ रोज़ के वही काम है। और कंबल वगैरह मैंने रख दिए हैं, अभी बेड वगैरह सही करना है, काफ़ी कमरों में मैस फैल रखा है।
झाड़ू वगैरह सब गाइस लग चुका है। अभी सिस्टर जो है कपड़े धो रही है पीछे मशीन से, काफ़ी विंटर के कपड़े हैं तो अभी वो साफ़ कर रहे हैं, तो बस मैं अभी वही उसके साथ जो है करवा रही हूँ। काफ़ी कितने ज़्यादा कपड़े हैं मुस्कान से आए तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है स्ट्रगल, रियल वाला स्ट्रगल, गिर ना जायो। मन्नत की कर रहे हो, गम्मी लग रही है, गम्मी जा नीचे फोन चक के ले, शुभी नीचे जाओ। तो अभी मैं जो है बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि इतना भी सीढ़ी चढ़ती हूँ ना तो मेरी गाय सांस फूल जाती है। एंड मन्नत आप लोगों को हाय बोल रही है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा। इतनी जल्दी बाय, क्या कर रहे हो, काम करवा रहे हो? तो बस अभी यही सब है। मे बी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है सो इसलिए तो बस अभी पोछा वगैरह लगाने के लिए रह गया है। तो क्योंकि मुस्कान कपड़े धो रही थी ना पीछे, इसलिए पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया है। तो हमारे यहाँ पे गली पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू गली बन रहा है हमारे, तो इस वजह से। एंड मुझे कमेंट करके बताना गाइज, मैंने पहले अपने ना कमेंट ऑफ कर रखे थे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेकार से कमेंट करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी अपने चैनल पे नहीं चाहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा वैसा कमेंट मत करे जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर हो, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर रह कर ही आप लोग कमेंट करें, बस यही रिक्वेस्ट है। तो मैंने अपना कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो किस तरह का ब्लॉग लेकर आऊँ और कैसे ब्लॉग लगते हैं आप लोगों को मेरे। ठीक है गाइज, तो ठीक है मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद गाइज हम लोग नीचे आ गए थे, तो सिस्टर जो है पोछा लगा रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ और सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है सिंक वगैरह धो रही हूँ। ये जो काम होता है ना गाइज, हम डेली का डेली ही करते हैं। वॉशरूम हो गया, जैसे सिंक वगैरह हो गया, ये हम डेली धोते हैं, इससे बाथरूम काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है। कभी सिस्टर कभी मैं हम लोग धो देते हैं। तो सिस्टर जो है अभी यहाँ पर ही शिफ्ट होंगे ये लोग, तो इसलिए यहाँ पर ही है सिस्टर मेरी। क्योंकि आप लोग सोचोगे ना कि ये कौन है, क्योंकि सुमन को आप लोग जानते हो, सिस्टर को नहीं जानते हो, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। इससे पहले कि आप लोग कमेंट करो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो बस गाइज, और कपड़े भी सब धुल चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है, बस खाना वगैरह रह गया हम लोगों का एंड नहाना धोना रह गया है। तो ये भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ जो फ्लैश होता है, क्योंकि कीटाणु वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, जम्स वगैरह, इसलिए तो काफ़ी अच्छा फ्रेश लगता है वॉशरूम। तो ठीक है गाइज, मैं काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
ठीक है गाइस, तो फिर इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो अब मैं मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में। बाय, स्टे सेफ।